आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर, आपको फंगल इन्फेक्शन यानी दांत खाज खुजली के बारे में स्टेप बाय स्टेप, इसके क्यों होता है, कारण और इन्फेक्शन होने की प्रक्रिया, लक्षण, इलाज और दोबारा होने से बचने के तरीकों के बारे में बात करूँगा। लक्षण को मैं इम्पोर्टेंस इसलिए दूंगा कि आपको रिंगवर्म को पहचानना आना चाहिए। ये सच है कि हर लाल निशान दाद नहीं होता, हर लाल निशान चमड़ी की एलर्जी नहीं होती, पर फिर भी कुछ कुछ लक्षण से एक रिंग जैसा निशान जिसमें बॉर्डर पर सफ़ेद पीले दाने हों और जो जगह बताई हैं उन कॉमन जगह पर प्रेजेंस होना इसकी दाद को फेवर करता है और आपको ये चीज़ पहचाननी आनी चाहिए। मैं इस चीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये जब दाद शुरू होता है तो एक सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं वो क्या होती है कि जब आपको खुजली चलती है या पहला निशान बनता है तो आप किसी की सलाह पर, अपने दोस्त परिवार वालों की सलाह पर या फिर केमिस्ट पर जाते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम चार पांच तरह से संबोधित करते हैं, जैसे कि चर्म रोग की दवाई दे दो, ट्यूब दे दो, या खुजली की ट्यूब दे दो, दाद की ट्यूब दे दो, रागों में खुजली चल रही है उसकी ट्यूब दे दो। तो वो केमिस्ट आपको, मेडिकल स्टोर वाला जो पर्सन है, वो आपको दो या तीन तरह के जो आइटम्स आते हैं इसमें जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिकते हैं और मिसयूज होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें से कुछ ना कुछ आपको दे देता है। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए और वो सब गलत होता है, ये सब इस बीमारी में नुकसान करता है, आपको ये सब पहचान में आना चाहिए। उसमें से जो पहली ट्यूब जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जो कॉम्बिनेशन, वो एक मिक्स्ड ट्यूब होती है जिसमें चार से पांच तरह की दवाइयाँ स्किन की होती हैं। उसमें एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटीफंगल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला एंटी एलर्जिक स्टीरोइड भी होता है और वो स्टीरोइड इतना पावरफुल होता है कि वो इस बीमारी, फंगस वाली बीमारी पर लगाए जाने पर इसमें नुकसान पहुँचाता है। अब आप उस ट्यूब को कैसे पहचानें, उसके तीन तरीके होते हैं। एक ही होता है कि 90% या 95% टाइम उन ट्यूबों के नाम में आगे या पीछे डम लगा होता है। मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप पहचान पाओगे आराम से, या तो आगे उसका नाम डम से स्टार्ट हो रहा है या नाम डम पे ख़त्म हो रहा है, DERM, या फिर इसके अलावा लास्ट में G लगा है, GM लगा है या N लगा है, तो इससे आप उस ट्यूब को पहचान सकते हैं। दूसरा, सपोज ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसके ऊपर अगर आप उसके जब इंग्रेडिएंट्स के नाम पढ़ोगे, ब्रांड नेम के ऊपर जो लिखे रहते हैं, तो आपको चार से पांच नाम उसमें कॉमनली मिलेंगे। उसमें से नियोमाइसिन या जेंटामाइसिन एंटीबैक्टीरियल होता है, क्लोट्रिमाजोल या माइकोनाजोल उसमें, या किटोकोनाजोल उसमें एंटीफंगल होता है, और तीसरा उसमें जो स्टीरोइड होता है वो बेटलोमिथासोन हो सकता है, फ्लुसिनोनोल हो सकता है या मोमेटासोन हो सकता है, या सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो है क्लोबिटासोल हो सकता है। और आप इसको आराम से पहचान सकते हैं, ये कॉमन इंग्रेडिएंट हैं उन सब ट्यूबों के, चाहे मार्केट में 200 तरह की ट्यूब मिलती हों लेकिन उनके अंदर इसी तरह का मिश्रण मिलेगा। और तीसरा जो उसका पहचानने का तरीका है वो है उसको काम में लेने के बाद पता चलता है। तो होता क्या है, मैंने क्यों कहा कि आप क्या गलती करते हैं कि जब आप इस ट्यूब को लगाते हैं, इसके अंदर एक पावरफुल स्टीरोइड है, वाकई में ये जो ट्यूब बनी होती है ये एक इन्फेक्टेड एलर्जी के लिए बनी होती है, एलर्जी जिसके ऊपर से कुछ इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए बनती है। तो वो जो स्टीरोइड होता है उसमें एलर्जी को दबाने की क्षमता होती है, क्योंकि स्टीरोइड एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, आप जहाँ भी उसको लगाओगे वो वहाँ की इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके, कम करके वहाँ की एलर्जी को दबा देती है। लेकिन इसी स्टीरोइड को अगर आप फंगल इन्फेक्शन पे, जो एक इन्फेक्शन है जिसमें इम्यूनिटी का रोल होता है, इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव होती है, अगर आप इस फंगल इन्फेक्शन में स्टीरोइड को लगाओगे तो वो वहाँ की चमड़ी की इम्यूनिटी को कम कर देगी और फंगस को फैलने का मौका देगी। तो जब तक आप लगा रहे होंगे वो स्टीरोइड की पावर से दब जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस ट्यूब को छोड़ते हो, दूसरे या तीसरे दिन पर वो जो निशान है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसका लालपन पहले से ज़्यादा रहता है, उसमें दाने ज़्यादा रहते हैं, खुजली बढ़ जाती है, यानी उसकी सीवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये हर बार होगा, जब भी आप इस ट्यूब को यूज करेंगे हर बार इसकी सीवियरिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो सर्कल है
सर्कल है उसके बाहर सर्कल आपने जहाँ से लगाना स्टार्ट किया था उससे जो निशान है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एक रिंग्स बनती जाती है, एक के बाहर एक रिंग बनती जाती है। आपको लगता है कि मैंने दवाई छोड़ दी शायद इसलिए दाग वापस हो गया, तो आप दोबारा से वो ट्यूब लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो आप नहीं खरीद ले आते हैं, तो एक साइकिल बन जाता है। और जब तक आप परेशान होकर डॉक्टर तक पहुँचते हैं तब तक वो ट्यूब चमड़ी को और उस बीमारी को बहुत नुकसान कर चुकी होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लक्षण को पहचानना सीखें और इन तरह की ट्यूबों से बचें। अब दूसरे टाइप का जो दवाई मिलता है मेडिकल से या कहीं और से किसी अपने रिलेटिव फ्रेंड की रिकमेंडेशन से, वो होते हैं कुछ केमिकल्स जिसमें कॉमन जो कंपोनेंट्स हैं वो या तो सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर एंथ्रेलिन होता है। ये तीनों चारों प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो केराटोलाइटिक होते हैं और स्किन को ऊपर से सरफेस को इरिटेट करके जलाने का हटाने का काम करते हैं। तो लोगों ने इसको दाद में एक क्रूड यानी देसी तरीका जिसको हम कह सकते हैं, जुगाड़ जो जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह से काम में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्या होता है कि जो ऊपर की जो चमड़ी है वो जल जाती है। कीटाणु के लिए तो कोई दवाई है नहीं इसके अंदर, एंटीफंगल तो कोई है नहीं, तो वो उसको तो ठीक करेगी नहीं, तो वो ऊपर वाले स्किन को इरिटेट कर देती है, एलर्जी हो जाती है और घाव भी बन सकते हैं। कई बार पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज में जहाँ पर बैठना मुश्किल होता है, वॉक करना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आकर पहुँचते हैं हमारे पास। और आप ये सोचिए कि जिन जगह पर दाद जनरली शुरू होता है, रागों में, बगलों में, बेल्ट की जगह, ये सब बिल्कुल नाजुक जगह होती हैं, अगर आप इन जगह पर इन ट्यूबों को यूज़ करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। कई बार पेशेंट जब चेहरे पर दाद होता है और इस तरह के केमिकल्स के मिश्रण यूज कर लेता है तो उससे भी उसको बर्न हो जाता है। दाद तो ठीक हो जाएगा बाद में, लेकिन उस बर्न का जो निशान है वो हमेशा के लिए फेस पर रह जाता है। तो इन लक्षणों को और इन दवाइयों के बारे में आपको मैं डिटेल से इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कृपया प्लीज़ इस तरह की दवाइयों को खुद से यूज करना बंद करें। सेल्फ मेडिकेशन इस बीमारी को बहुत नुकसान पहुँचा चुकी है, तो आप आगे इस चीज़ का ध्यान रखें। इन सब दवाइयों से, ट्यूबों से आपको जो नुकसान होता है, दूसरा नुकसान ये है कि आपकी जो बीमारी का लक्षण है या उसकी जो प्रेजेंटेशन है जिसको देखकर आसानी से पहचाना जा सकता था कि ये दाद है, वो बदल जाती है। उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि कई बार डर्मेटोलॉजिस्ट को भी पहचानने में मुश्किल आती है, तो उससे आपके इलाज की लागत और अवधि दोनों बढ़ जाती है, तो इससे आपको नुकसान होता है। तो अपने आप को एजुकेट करें, अपने साथ वालों को, अपने परिवार वालों को एजुकेट करें। इस तरह की ट्यूब, इस तरह के केमिकल मिश्रण और देसी दवाइयाँ दाद में उपयोग में ना लें। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने आपको फंगस की बीमारी, स्किन में होने वाली इस बीमारी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। इसका सबसे मूल सार इस वीडियो का यही है कि आप दाद एक सिंपल बीमारी है, लेकिन आप इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्टेरॉइड वाली क्रीम्स यूज ना करें और खाने वाली गोलियां डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में ही पूरी करें और इलाज को बिना गैप किए पूरा करें, तभी जाके आप इस बीमारी से बच सकते हैं और जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।